हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिंस रेसिपीज। मैं मीनाक्षी और आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के स्वादिष्ट पकौड़े। ये हेल्दी तो होता ही है और साथ में चटपटा भी होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मूंग दाल। मैंने इसे 8 से 10 घंटे भिगो के दरदरा पीसा, ज्यादा बारीक नहीं किया मैंने। आप पेस्ट देख सकते हैं, इसको आप ज्यादा बारीक पेस्ट ना बनाएं, हल्का दरदरा रहने दें। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, अदरक का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और मैंने यहाँ लिया है 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/2 छोटी चम्मच सफेद तिल, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन को गरम करेंगे। ये पैन अभी गरम हो चुका है और इसमें मैं जीरा और सफेद तिल को रोस्ट करूंगी। आप धीरे धीरे कर दें और इसको हल्के हाथों से चलाते रहें। जब क्रैकल होने लगे तो गैस को बंद कर दें। और इस जीरा और सफेद तिल को हमें पीसना नहीं है, ये बस रोस्ट करके इस पेस्ट में डालना है हमें। इससे एक अलग फ्लेवर आएगा आपके पकौड़े का। तो अभी ये हो चुका है, मैंने गैस बंद कर दिया और अब ये जाएगा मूंग दाल के पेस्ट में। ऐसे मिक्स कर लें। तो जीरा और तिल इसमें जा चुका है, अब हम डालेंगे इसमें अनियन। हल्दी, अदरक का पेस्ट, धनिया, हरी मिर्च और अब इसे मिक्स करें और इसमें लाल मिर्च भी डालना है और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैं यहाँ 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। आप मूंग की पकौड़ी बहुत बनाए होंगे लेकिन इसमें जीरा और जो तिल का फ्लेवर आएगा वो डिफरेंट होगा। तो अभी ये मिक्स हो चुका है और मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने को रखा है गैस पे। जब गरम हो जाएगा तो हम लोग पकौड़ी तैयार करेंगे। तो आइए चेक करते हैं कढ़ाई गरम हुआ कि नहीं अच्छे से। थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसको डाल के देखेंगे। अभी ये गरम नहीं हुआ अच्छे से, थोड़ी देर और गरम करेंगे इसको। अभी ये कढ़ाई गरम हो चुका है, अब इसमें पकौड़ी डालना शुरू करेंगे। इस तरह से हाथ से लें और छोटे छोटे पकौड़ी डालना शुरू करें। अभी आंच को मैंने तेज रखा है, थोड़ी देर बाद इसको धीमी आंच पर फ्राई करेंगे अच्छे से। थोड़ी देर तेज आंच पर पकने दें, फिर पलट देंगे इसको। इसको ऐसे पलटें। और अब थोड़ी देर पकने के लिए आंच को धीमा करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी 2 मिनट हो चुका है, अब इसे पलटें और अब देख सकते हैं कि पक चुका है।
तो अब इसे हम आंच को तेज करके थोड़ा सा कुरकुरा करके निकाल लेंगे। और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से आप मूंग दाल के पकौड़े तैयार कर सकते हैं। बाकी बचे हुए बैटर को भी मैं इसी तरह तैयार करूंगी। इसी तरह से इसको फ्राई करके निकालेंगे। अभी ये धीमी आंच पर पक रहा है, 1.5 से 2 मिनट के बाद ही तैयार हो जाएगा। तो ये भी तैयार हो चुका है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो कितना इजी है मूंग दाल के पकौड़े बनाना, आप भी इसे घर पे बनाएं जरूर। पकौड़े बनाए और हरी मिर्च फ्राई ना करे तो मजा ही नहीं आता पकौड़े का। तो मैंने 7 से 8 हरी मिर्च फ्राई किया, तेज आंच पे इसको फ्राई कर ले फटाफट। इसको बीच से कट कर दे, अदरवाइज ये देखिए देख सकते हैं आप कैसे। तो ये हरी मिर्च भी तैयार हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारा हेल्दी मूंग दाल के पकौड़े, जो कि हेल्दी भी है और कुरकुरे स्वादिष्ट भी हैं। अगर आपको ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ में ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और भी रेसिपीज आप सबके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू।